चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक नया टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी। अगर हम सोचें कि कंटिन्यूटी क्या है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि हम पूछ क्या रहे हैं कि कंटिन्यूटी क्या है, तो उसका मीनिंग तो वो खुद अपने आप बता रहा है। कंटिन्यूटी मींस एक फंक्शन जो कंटिन्यू है, जिसमें बीच में ब्रेकेज नहीं है, वो फंक्शन कंटिन्यू है। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके बीच में ब्रेकेज नहीं है, वो कंटिन्यू है। बात समझ आ रही है? इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे, वो आते हैं उस मैटर पे, उसकी जल्दबाजी नहीं है। पहले मतलब तो समझ लें एक मिनट के लिए। जितने आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल सबसे पहले लीनियर आ गया आपका, fx = ax + b linear। तो linear function कहीं भी बीच में breakage आती है कभी? Never, it's always linear, sorry, continuous। अगला क्या होता है आपका? quadratic। polynomial का अगली कहानी क्या है? ax² + bx + c। तो जब हम इसका parabola draw कर रहे होते हैं, quadratic equation का diagram draw करते हैं, तो क्या कहीं बीच में breakage आती है? नहीं, continuous। क्यूबिक फंक्शन ड्रॉ करोगे, कंटिन्यूस। डिग्री 4 का ड्रॉ करोगे, कंटिन्यूस। मींस ऑलवेज कंटिन्यूस, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन ही जो इतने भी हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूस। आगे देखिए सर, अगर मैं आपसे बात करता हूं साइन एक्स की, तो सर आपको पता है सर साइन एक्स सांप की तरह चलता रहता है सर, ठीक कह रहा हूं? चलता रहता है ना सर, बताओ फिर। कंटिन्यूस। cos x कंटिन्यूस। अगर tan x की बात करते हैं तो सर हम ऐसे जाते थे, तो इस पॉइंट पे हो गया ब्रेक, नॉट कंटिन्यूस एट पाई बाय टू, और पता नहीं कितने पे कंटिन्यूस नहीं। तो कंटिन्यू कुछ अलग से मतलब नहीं है एमएस में, कंटिन्यूस का तो वही है सिंपल, फंक्शन कंटिन्यूस है, बीच में ब्रेकेज नहीं है। पता ही बात समझ आती है? बात समझ आती? चलिए अब आते हैं कंटिन्यूस के बाद। जो हम कंटिन्यू पे चेक कर रहे हैं, वो किस पे चेक कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा सर थोड़ी सी गर्मी आ गई है, और उन्होंने कहा चलो जी वाटर पार्क। अच्छा, तो अब मान लीजिए एक मिनट के लिए कोई इस तरीके से स्लाइड है सर, सुनना मेरी बात को ध्यान से, बड़े ध्यान से। आपको लगेगा मजाक कर रहा हूं, ज्यादा कर नहीं रहा हूं, थोड़ा बहुत ही कर रहा हूं, ठीक। अब मान लो इसके अंदर मैंने कहा सर इस पे जो है पानी आ रहा है, और पीछे हम स्लाइड करते जा रहे हैं, पानी से जा रहा है कि हम भी चलते रहे आगे, ठीक है जी। अब यहां पे जरा सा मामूली सा गैप है, बिल्कुल जरा सा मामूली सा गैप है। वो गैप मान लीजिए आप एक मिनट के लिए महज आधा इंच या एक इंच का मान लीजिए, ठीक है, आधा इंच या एक इंच का गैप मान लीजिए, तो सर कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कहीं आधे इंच से साले हम नीचे गिर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो क्या अब लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? नहीं, ब्रेकेज तो है बीच में, सकता है आधे इंच की हो, चाहे आधे इंच की हो, चाहे एक सेंटीमीटर की हो, ब्रेकेज तो ब्रेकेज है सर, कंटिन्यूस तो नहीं कह सकते मुझसे, लेकिन उससे हमें दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यू हो गया इस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है, अदरवाइज उसके अलावा कंटिन्यूस है। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या है, एक पॉइंट पे चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो अगर आप एक पॉइंट पे चेक कर रहे हो, एक पॉइंट पे चेक करने का तरीका क्या होगा कि आपको देख भाई इस पॉइंट पे जाके देख है भाई अवेलेबल या नहीं है। हमने कहा उस पर देखा हमने, अरे नहीं यहाँ तो छेद है, तो निकल गया वो आरंभ पर, भाई ऊपर निकल गया ना, ये तो यहाँ पे आपका आधा इंच का गैप तो चला गया ना ऊपर, तो कह रहे फंक्शन है ही नहीं, वाई है ही नहीं भाई, वो एक्स निकला है, भगवान को ढूंढो वाई को ढूंढो, वाई मिल नहीं रहा, वो चला गया ऊपर तक, वो कह रहा भाई थक गया मैं, नहीं वाई है नहीं, डिसकंटिन्यू एक पॉइंट पे। कुछ आ रहा है सुनने? अब हमने कहा एक पॉइंट पे देखते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं है। हमने कहा जी ठीक है जी, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, जरा सुनना जरा ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। हमने कहा जी चलो जी इस पॉइंट पे चेक करते हैं जी फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, ठीक है जी। अब पता चला जी
थोड़ा सा मैजिक था जी, मैग्नेट थी, कुछ भी थी, आपने क्या करा जस्ट इसके पॉइंट, एक पॉइंट किसी भी तरह से हवा में अटका दिया सर, क्या कर दिया हवा में अटका दिया एक पॉइंट, बिल्कुल। अब ये चेक करने चला कि बता भाई है या नहीं है, इसको ये पॉइंट मिल गया, इसको ये पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या लग रहा है सर, आपके सामने सारी कहानी हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है तो आप क्या कहोगे इस पॉइंट पे? नहीं है सर कंटिन्यू, कैसे मजाक कर लोगे सर। तो अब मैंने कहा कंटिन्यू क्यों नहीं है, तो आपने एक बात कंटिन्यू क्यों नहीं कही मुझे कि भाई इस पॉइंट से पहले नहीं और इस पॉइंट के बाद नहीं है, यही कहानी है ना भाई। मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, ध्यान करना दोनों मैंने एक पॉइंट पे चेक करे हैं, इस पर तो साफ आ गया डिसकंटिन्यू है। अब यहाँ पे भी क्या आ गया साफ, डिसकंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा भाई इस पॉइंट पर तो है लेकिन इस पॉइंट के लेफ्ट में ये नहीं है और इस पॉइंट के राइट में नहीं है, तो कंटिन्यू किस बात के लिए? बताइए बात सुनाई क्या नहीं। और आगे चलते हैं सर, अब हम और आगे चले ठीक, अब थोड़ा सा बड़ा ठीक है जी, चेक कर रहे हैं सर इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे चेक करने बैठे यहाँ पे, ये समझा रही मेरी बात, इस पॉइंट पे चेक करने बैठे सर। अब हम आप पूछ रहे हैं जी कि बताइए जी इस पॉइंट पे ये कंटिन्यू है या नहीं है, अब आप लोगों को क्या लग रहा है इस पॉइंट पे? हाँ जी इस पॉइंट पे है, किसको सुन रहा है? नहीं है, एक को, दो को, दो को सुन रहा है सर, जो तीन को सुन, मैडम तो आप बैठो ना, देखते हैं समझदार भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी तीन को समझ में आ रहा है इस पॉइंट पे कंटिन्यू है, चार को समझ में आ रहा है, चार को समझ में आ रहा है, तुम कह रहे हो कंटिन्यू है, मैं कह रहा हूं जिसको ये समझ में आ रहा है इस पॉइंट पे कंटिन्यू नहीं है उनसे बात कर रहा हूँ, तो केवल चार को समझ में आ रहा है इस पॉइंट पे कंटिन्यू, उन चारों को गलत समझ में आ रहा है, इट्स अ कंटिन्यू भैया। इस पॉइंट से मतलब है ना, इस पॉइंट से पहले भी है, इस पॉइंट के बाद भी है, खत्म कंटिन्यू, हमने ठका तो नहीं रखा लास्ट तक के और उससे आगे तक का, खत्म का नहीं, हमें उस पॉइंट से मतलब है, उस पॉइंट पे उससे पहले भी वो फंक्शन है और उसके बाद भी है, खत्म का नहीं, अब वो आगे कहां तक है इसका ठेका तो नहीं रखा हमने भाई। मैंने क्या कहा इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, दिमाग चल लिया ना कि इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है, तो इस पॉइंट पे तो है ना कंटिन्यू, क्योंकि इस पॉइंट पे उसके लेफ्ट से भी फंक्शन आ रहा है और आगे भी जा रहा है, खत्म का नहीं, आप समझ लो मेरी बात को। हर की पौड़ी पे गए हम नहाने के लिए, अब हम कह रहे हैं गंगा जी यहाँ पे है या नहीं है, अब हमें वहां हर की पौड़ी पे गंगा जी दिख रही है, हम वहां डुबकी लगा रहे हैं, सब कुछ है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पानी है, पीछे से चला रहा है, आगे जा रहा है, खत्म। या आप कहोगे नहीं मेरे को हर की पौड़ी पे यहाँ पे गुत्ता लगाना है, मैं ये देखूं आ कहां से रहा है, गंगोत्री गंगा कहां से आ रहा है, गोमुख कहां से आ रहा है, बाद में गोता लगाऊंगा, पहले देखूं आगे तक कहां जा रहा है, समुद्र तक कहां जाके मिल रहा है। अरे भैया वहां तुम गए हो, वहां कंटिन्यूटी है, वहां ना हो अपने वापस आओ भगवान का नाम, ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, बात समझ आ रही है, इज दैट क्लियर? तो ध्यान कर रहा, तो ये सारी कहानी मैंने क्या बताई, ये हमने कंटिन्यूटी चेक करी है, चेक एट ए पॉइंट पे, ये कंसेप्ट सिखाया है, क्वेश्चन कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, कंसेप्ट तो आ जाए सोल्व करना भी सीख लेंगे, अरे कंसेप्ट आ जाए सोल्व करना भी सीख लेंगे, क्या दिक्कत है, कंसेप्ट समझ आया? चलो चेक एट ए पॉइंट के बाद अगला आता है चेक एट इंटरवल, क्या आता है इंटरवल, तो जब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटरवल की, अब हमने क्या दिया ए से बी फंक्शन, अब ये आ रहा है ये जा रहा है, अब ए से बी के बीच में गैप आ गया, हम कहेंगे नहीं भाई कंटिन्यूस नहीं है, अब वो चाहे एक सेंटीमीटर का है, चाहे आधा इंच का है, चाहे एक इंच का है, चाहे एक किलोमीटर का, उससे मतलब नहीं है, ए से बीच में ब्रेक है सर, कंटिन्यूस नहीं, आ रही बात? लेकिन अब ये दूसरा कर्व हो गया सर, नाउ इट इज कंटिन्यूस, ठीक ये आ गया सर, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, बेशक से आगे नहीं है, हमें उससे क्या मतलब, कंटिन्यूस शुरू से नहीं है उससे क्या मतलब, ए और बी के बीच में फंक्शन में ब्रेकेज नहीं है, कंटिन्यूस, आगे सुनिए, तो ये आपका इंटरवल वाला हो गया, इज दैट क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट
एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल, समझना ध्यान से, एक्स एक्सिस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, कहते ना पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, पूरे एक्स एक्सिस का ठेका ले लिया है कि भाई अब यहां से यहां तक कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ना पॉइंट है ना इंटरवल है, अब क्या है पूरी ऑल रियल वैल्यू, तो भैया कहीं ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। आप ले लो सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, कहीं ब्रेकेज नहीं होगी सर, इनफाइनिट तक ले जाओ माइनस इनफाइनिट तक ले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज कंटिन्यूस। आ रहा समझे एट आर पे, इज दैट क्लियर, यानी जितनी भी वो है सब पे ये क्या होगा कंटिन्यूस, इज दैट क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, समझ आती है मेरी बात। तो ये कहानी हुई सर हमारे यहाँ पे किस चीज की कंटिन्यूस। अब ये समझने के बाद अगला कंसेप्ट शुरू होगा कि भैया इसको चेक कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हाँ न्यूमेरिकली कि हाँ ये कंटिन्यूस है या नहीं, इज दैट क्लियर।